अरे राज, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा मूड ऑफ था इसलिए यहाँ बैठा हूँ। मूड ऑफ? ऐसा क्या हुआ? तू तो जानता है मैं कॉलेज टाइम से निशा को पसंद करता हूँ, पर आज जब मैं उसे प्रपोज करने गया तो उसने मुझे ये कह के मना कर दिया कि मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, मैं मस्कुलर नहीं दिखता हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अरे चल, छोड़ इन सब बातों को, मेरे साथ चल और मैं तेरे को एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ पे तू अपनी लुक्स और बॉडी दोनों चेंज कर सकता है। चल मेरे भाई। ये वो जगह है जो तुम्हें एक नई पहचान देगी। आ जा मेरे दोस्त, आज से यही तेरी मंजिल है, यही तेरी मोटिवेशन है और तुझे भी इनके जैसे ही अपना नाम बनाना है। से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे शंग, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इस डंग, सपने यूं हुए थे डम के खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम। हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त, मनाता है अफसोस किस्मत को कोसे साला रोज, गलती नहीं थी आई सपोज, डैड का ही था सारा दोष, पर असलियत क्या थी ही नोस की कमजोर था वो ऑफ कोर्स। आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट, अगर आसान होता टू विन हर कोई होता शाहरुख सचिन, इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेन में आपका ड्रीम, वो जानता है वो कर सकता है और उसे बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर, क्यों ढूंढ रहा है तू बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब तितर बितर पड़े सारे तेरे ही भीतर। है जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible, बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस जो सैक्रिफाइस, मन में तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा जानवर या आदमी, नजरे हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस ही पर समय पर घास भी, कैसे भूल गया लूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से ऑलमोस्ट करने ही तू वाला था ना जम, वो ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे जख्म, या नहीं है तुझ में दम या फिर बड़ा तू बेशरम, तुझे आइडिया नहीं क्या कर सकता है छोटे तेरा फेथ, जब आँख खुली तो मॉर्निंग है, यू नेवर एवर लेट, करता जा तू मिस्टेक पर भरता जा सारे पेज, सारे आंसू का हिसाब है साले कुछ नहीं होगा वेस्ट, खुद की हो कदर तो खुद ही हो जाए गदर, अब ना होगा सबर वहाँ पर खुद ही है कबर, आज करना है अभी, डू और डाई, नेवर नेवर, मदद सामने खड़ी एक गधे, लुक इन टू द मिरर, जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible, बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। मैं बेचारा हूँ, मुझे प्लीज दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, विल यू बी माई वाइफ, किसी को नहीं जानना कितनी सैड है तेरी लाइफ, या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बस चलते हैं मेरे भाई, पानी है मिडिल क्लास है या फिर फैमिली गरीब है, आईक्यू तेरा वीक है या फिर दमे का मरीज है, इस ओके मोजे में छेद है या फिर फटी हुई कमीज है, तू मोटा है या काला है या दिखने में अजीब है, परेशान पर माँ से कहता है माँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ट्रेनिंग का पार्ट है पगले सब ये साली सीख है, मत समझना नसीब है, सब टेम्पररी तकलीफ है, कोई रोक नहीं पाएगा छोटे जब तक जिंदा ये बिलीफ है, थोड़ा कम कर लूं मैं पर जिद भी आज कर लूं, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हल हूं, हारने में अब बलूं मैं तभी तो अब सफल हूं, मत करना तुम तकल्लुफ मैं अब अनस्टॉपेबल हूं। खड़ खड़ सपने खड़काए, फड़ फड़ दिल पर भड़काए, ढूंढे कुछ कर जाने के रास्ते, बाकी बातें सब फर्जी, सपनों की है खुद गर्जी, जीते हैं उन लम्हों के वास्ते। है जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है वे लोग ये जो ये
बोलते दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द. दूरी से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल. हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर शिवराज? यस स्पीकिंग. Yeah, this is Alia calling from Journal Magazine. Actually, I wanted to share an exciting news with you. You have been selected as the lead fitness model for our next project. So, could you please come to our office? Yes, ma'am. I will definitely come to your office tomorrow. All right. I'll see you then. Bye. Thank you for calling, ma'am. जैसे कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, निशा ने कैसे राज को रिजेक्ट किया ये बोलकर कि उसकी लुक्स अच्छी नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है. तो ये सब सुन के राज बहुत ही निराश हो जाता है. और ऐसे टफ टाइम में कैसे उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, कैसे उसको मोटिवेट किया उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, ताकि वो अपनी लुक्स को थोड़ा इम्प्रूव करे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे. और उसके लिए उसके फ्रेंड ने एक उसको सही ट्रैक दिखाया, जिम का रास्ता दिखाया, जहाँ पे राज ने अच्छी मेहनत करके खुद की पर्सनैलिटी चेंज की, खुद की लुक्स को चेंज किया. और सिर्फ यही नहीं, उस वो आज एक आज के टाइम पे वो एक फिटनेस मॉडल है, एक अच्छा फिटनेस मॉडल है. तो इस वीडियो को दिखाने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, आपको कोई चीट करता है या आपको कोई रिजेक्ट करता है, तो कई बार ये रिजेक्शन भी हमारे लिए एक सबक बन जाती है. तो उसको हम अपना एक मोटिव बनाकर, अपना एक एम बनाकर अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो राज ने भी वैसे ही किया, इसलिए वो आज एक अच्छा फिटनेस मॉडल है. तो आप लोग भी वही कर सकते हैं, गलत रास्ते को ना चुनकर. कई लड़के जैसे कि आज के टाइम पर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या कुछ और गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वो सब ना करें और एक अच्छे ट्रैक पर जाएं और जिम ज्वाइन करें. जिम ज्वाइन करके एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप फिटनेस मॉडल बन. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो, हमारी टीम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में करके ज़रूर बताएँ. थैंक यू गाइस, लव यू ऑल.